उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला में 74.3% देखा गया ग्रहण। सोलर फिल्टर चश्मे में दिखाई दिया अद्भुत नज़ारा। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज धर्मनगरी उज्जैन में देखा गया, जहां ग्रहण काल का समय सुबह 10:10 से शुरुआत, 11:25 पर मध्य और दोपहर 1:42 पर मोक्ष है। कोरोना काल के कारण शासकीय जीवाजी वेधशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यहां पर खगोल वैज्ञानिक और वेधशाला के स्टाफ ने सोलर फिल्टर चश्मे के द्वारा ग्रहण की स्थिति देखी। यूं तो देश में ग्रहण 98.6% देखा गया, परंतु उज्जैन में यह अधिकतम 74.3% देखा गया है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। सर, आज ये ग्रहण की है, क्या है सर? एक ग्रहण कंकण आकृति सूर्य ग्रहण है। कंकण आकृति सूर्य ग्रहण जब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की दूर की स्थिति में होता है, जिस कारण वो सूर्य को पूरा पूरा नहीं ढक पाता और सूर्य के चारों ओर एक कंगन जैसी आकृति या बलय जैसी आकृति या फायरवॉल भी कहते हैं, वो दिखाई देती है। इसका जो देखने की स्थिति है, वो अगर हम बात करें तो उत्तर वाला जो भाग है, देहरादून, चमोली, सूरतगढ़ वगैरह, यहाँ पर 98.6% हिस्सा भारत में ढका हुआ दिखा है। उज्जैन के संदर्भ में अगर देखें तो उज्जैन थोड़ा सा दक्षिण में है, तो यहाँ पर ग्रहण का प्रारंभ प्रातः 10:10 पर हो गया था। अभी जो स्थिति है, लगभग 60% सूर्य ढक गया है और 11:52 पर 74.3% सूर्य ढका हुआ दिखाई देगा और उसके बाद 1:42 पर ये मोक्ष की स्थिति रहेगी। सूर्य ग्रहण को जो देखने का रहता है, वो किसी भी प्रकार से आपको नंगी आँखों से नहीं देखना है। धूप का चश्मा, एक्सरे फिल्म या वेल्डिंग ग्लास, ऐसी किसी भी साधन से हमको ग्रहण को नहीं देखना है, क्योंकि आँख आपकी डैमेज हो सकती है। उसके लिए अगर सोलर फिल्टर युक्त चश्मा है, या आप देख रहे हैं एक सामान्य सा चश्मा रहता है, तो ये सोलर फिल्टर युक्त चश्मा है, इससे आप ग्रहण को देख सकते हैं। या दूसरा बहुत सरल सा तरीका है, हम सभी के घर में कांच रहता है, इस कांच को में एक कागज़ लीजिए, उसमें 1 या 2 सेंटीमीटर का एक होल बना लीजिए और उससे कांच को ढक दीजिए और इससे जो परावर्तित प्रकाश हो उसको आप इमेज दीवार पर या किसी भी बोर्ड पर बना लीजिए, उससे आप ग्रहण को बहुत अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।